हेलो जी, नमस्ते। आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हर घर में बनने वाली उपमे की रेसिपी। तो आज हम उपमा बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने ले ली 1 कटोरी सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, पूरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे हम। तो आप वीडियो को पूरा देखना जी। और ये थोड़े से मैंने मूंगफली ले ली है, मूंगफली मुझे थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और ये 3 मीडियम साइज के छोटे छोटे प्याज है, उनको मैंने काट लिया इस तरीके से। और एक हरी मिर्ची काट ली मैंने, देसी वाली बारीक बारीक। और ये 1 छोटा चम्मच मैंने ले लिए चना दाल, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वही वाला चम्मच भरकर। और उसी चम्मच से मैंने ले लिया 1 कटोरी उड़द दाल। और उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच भरकर ले ली राई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना जी इस तरीके से। तो ये मैंने 2 कड़ी पत्ते भी ले लिए, ये भी हम डालेंगे, एकदम ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ते हैं। तो गैस पे मैंने रख दी 1 कढ़ाई, गैस को चालू कर देते। तो गैस को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो। तो ये मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया कढ़ाई में, आप अपने हिसाब से घी या तेल कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो। बाकी ये घी में ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने सूजी डाल दी है, इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे हम घी के साथ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको। तो मैं ऐसे चलाते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। ये देखो जी, 5-6 मिनट हो चुके हैं और सूजी हमारी पक गई अच्छे से और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, नहीं तो उपमे में कलर अच्छे से नहीं आएगा और ये बिल्कुल जल जाएगी सूजी हमारी। तो ये देखो जी, पक गई अच्छे से, बस इतना ही पकाना है 5 से 6 मिनट के बीच। तो मैं इसे चलाते हुए इसको पका रही हूँ। तो गैस को कर देंगे हम अभी बंद और थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको ऐसे ही चलाते हुए हल्का सा पकाएंगे हम गैस बंद करने के बाद। तो इसको मैं निकाल लूँगी अभी प्लेट में। तो ये लो जी, मैंने प्लेट में निकाल लिया सूजी को। और ये मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी फिर से गैस पर और गैस को चला देते। अभी कढ़ाई को अच्छे से मैंने सेट कर दिया और इसमें डालेंगे हल्का सा बिल्कुल घी, यानी 2 छोटे चम्मच भरकर। मैं अंदाज से ही डाल रही हूँ, यानी 2 छोटे चम्मच ही ये घी है। घी हल्का सा पिघल गया, इसमें डालेंगे हम मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो इसे चलाते हुए मूंगफली को अच्छे से पका लूँगी मैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना जी, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जी चैनल को, और मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी आप लोगों की उपमे की रेसिपी। तो मूंगफली हमारी पक चुकी है और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे हम कटोरी में। तो मैंने मूंगफली को निकाल लिया और घी में डालेंगे हम सबसे पहले राई। राई को हल्का सा चटकाएंगे और फिर साथ में डाल देंगे हम चना दाल और गैस को बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम उड़द दाल। तो दाल को हम हल्का सा पका लेंगे कलर चेंज होने तक, ऐसे ही चलाते हुए बिल्कुल लो गैस पर। तो ये देखो जी, दाल का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका, दाल हमारी पक गई अच्छे से। और इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको हल्का सा पका ही लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम प्याज,
प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे चलाते हुए हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते। मैंने कड़ी पत्ते फर्स्ट में नहीं डाले, अभी डाल रही हूँ मैं। इसे डालने से कड़ी पत्ते का कलर भी जैसा है वैसा बना रहता है, एकदम हरा हरा, और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पका लेंगे। तो प्याज हमारे पक गए अच्छे से। ये देखो, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, बस इतना ही पकाना 2 से 3 मिनट के बीच में। फिर इसमें डाल देंगे ये सूजी जो हमने भून के रखी थी घी में, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना जी रेसिपी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये उपमा रेसिपी और बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा। तो सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ और इसमें डालेंगे हम अब पानी। तो ये कटोरी भरकर मैंने पानी का ले लिया, फिर डालेंगे इसमें ये कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से आप सूजी ले रहे हो उसी कटोरी से नाप के पानी डालना है। अगर आपने एक कटोरी सूजी ली है तो आप इसमें 3 कटोरी पानी की डाल देना, ये सही फिक्स मेजरमेंट है। और इसी हिसाब से आप इसको अच्छे से पकाते हुए बना लेना। तो मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया। जितना आप कटोरी को भर कर सूजी ले रहे हो उतना ही आप पानी का मेजरमेंट रखना इसमें, यानी 1 कटोरी में 3 कटोरी पानी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इस टाइम पे गैस को कर देंगे फुल। फुल गैस पे इसको ऐसे चलाते हुए हम पका लेंगे और जैसे पानी सूख जाए और ऐसे सूजी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए तब आप गैस को बिल्कुल लो कर देना, लो टू मीडियम। और ऐसे चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैंने गैस को कर दिया बिल्कुल मीडियम पर और अच्छे से मिक्स कर लिया सूजी को हमने पानी के साथ। और पानी हमारा सूख चुका, हल्का फुल्का है तो वो सूख जाएगा। तो इसको हम ढक कर 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे बिल्कुल लो गैस पर। तो 3 मिनट हो चुके, ढक्कन को हटा देते तो सूजी हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई और फूल भी गई और एकदम पक्कर हो गया हमारा उपमा तैयार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हल्के हाथ से और गैस को कर देंगे इस टाइम पे बंद, क्योंकि उपमा बनकर हो गया तैयार। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। तो इसमें इस टाइम डाल देंगे हम मूंगफली जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मूंगफली को। और फिर इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो ये मैंने हरा धनिया ले लिया एकदम ताज़ा, इसको काट देते हैं अभी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिए को। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना जी चैनल को और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कैसी लगती है आप लोगों को ये रेसिपी मेरी, और मुझे सपोर्ट करना जी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हरे धनिए को और इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। तो ये देखो जी, मैंने प्लेट में निकाल लिया उपमे को और इस तरीके से बनकर ये खिला खिला सा उपमा हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया खाने के लिए। और देखने में ऐसा दिख रहा है जी, मैंने मूंगफली इसमें ज़्यादा डाली क्योंकि मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छी लगती है मूंगफली, आप ज़रूर इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हो, बाकी ज़्यादा होगी तो अच्छी लगेगी मूंगफली खाने में। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना जी।